तो हेलो गाइज, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पे। गाइज, आज हम जानेंगे आज के इतिहास के बारे में, तो आइए शुरू करते हैं। आज के दिन देश और दुनिया में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जिससे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आइए जानते हैं। भारत में क्रिकेट 18वीं सदी में यूरोप के नाविक द्वारा लाया गया था और भारत में पहला क्रिकेट मैच और भारत में पहला क्रिकेट क्लब साल 1792 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था और राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला मैच पर्थ में आज के दिन यानी 25 जून साल 1932 में खेला। पहले 50 सालों में भारत ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन 1977 में भारतीय टीम काफ़ी अच्छी टीम निकली। साल 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में टीम ने वेस्ट इंडीज़ को हराकर विश्व कप ने नाम किया और 2011 में धोनी की टीम ने भारत ने दूसरी बार विश्व कप से नाम किया। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के पहले एडिशन को द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के नाम से जाना जाता है। एनी फ्रैंक की डायरी को उनके पिता ऑटो फ्रैंक ने प्रकाशित किया था। एनी फ्रैंक को ये डायरी उनके बर्थडे में मिली थी। आज ही के दिन 25 जून साल 1947 को द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल का पहला एडिशन प्रकाशित हुआ था। आज से 45 साल पहले देश में आपातकाल लगाया था और आज के दिन 25 जून 1975 को लगा आपातकाल 21 महीनों के बाद यानी 21 मार्च 1977 तक देश में लगाया गया था। आज का दिन कनाडा के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन 25 जून साल 1988 को किम कैम्बेल कनाडा की पहली महिला पीएम बनी थी। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।